गाइज मेरा राके सबको स्वागत करता हूँ ओडिशा नर्सिंग में आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि न्यू दिल्ली के अंडर निकला है हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए कितना सैलरी रहेगा यहाँ पे कितना सारा वैकेंसी निकला है नंबर ऑफ पोस्ट इस पोस्ट परमानेंट है या टेम्पोरी है देन इसका सब कुछ बात करेंगे वीडियो के अंत तक देखते रहिए वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर देना चलो शुरू करते हैं आज का है वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये वैकेंसी निकला है लेडी हजिस मेडिकल कॉलेज जो कि उसका हंड्रेड ग्लोरियस ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस वो नाइनटीन सिक्सटीन से 2016 अभी हंड्रेड ईयर हो चुका है ये जो नया साल ट्वेंटी वन साल है इसके लिए न्यू वैकेंसी निकला है जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थ्री फोर नाइन टू ट्वेंटी वन इधर लिखा हुआ है ये जो पोस्ट निकला है नर्सिंग अटेंडेंट का पोस्ट है लेवल पे वन इन द दे देस्ट मैट्रिक्स जो कि सैलरी पैकेज रहेगा आपका एटीन थाउजेंड से फिफ्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड तक रहेगा इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है थर्टी फाइव पोस्ट निकला है एस टी के अंडर फोर और ओ बी सी के लिए थर्टीन यहाँ पे देख सकते हैं ई WSKLA 14 and URKLA 4 post. Out of three, the post are earmarked for ex-serviceman and one post is ear, uh, earmarked for person with benchmark disability, uh, PWD for OH category. ठीक है एज क्राइटेरिया जो मंगा गया है 18 से 27 मांगा मंगा गया है इसका जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन मंगा है जो कि मैट्रिकुलेशन मंगा है जो कि सबके पास होता ही होता है देन मंगा है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशंस ठीक है अगर आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा ठीक है देन थर्ड में मांगा है क्या वन ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल वर्क इन फिफ्टी वेडेड हॉस्पिटल्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकला है ये सिर्फ मेडिकल uh, अटेंडेंट के लिए निकला है कि नहीं जो जी uh, एन एम करे हैं बी एस सी बी एस सी नर्सिंग करे हैं उनके लिए है नहीं ये सिर्फ ट्रिक जो पास किए हैं उनके लिए भी ये जो मेडिकल लाइन में ये अच्छा वैकेंसी गवर्नमेंट का परमानेंट पोस्ट वाला है ठीक है ये वाला जो निकला है इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए एक्सपीरियंस जो कि मेडिकल uh, अटेंडेंट के हिसाब से आपको वन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक हॉस्पिटल में और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए पास इतना जो ग्रुप सी का ग्रुप सी के अंडर में आता है जो नर्सिंग का आ, ये तो नर्सिंग नहीं कह सकते हैं लेकिन ये जो नर्सिंग अटेंडेंट के लिए निकला है ठीक है तो तो बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है जो कि सिर्फ टेंथ पास करके वन ईयर एक्सपीरियंस जिनके पास होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका अप्लाई के लिए क्या क्या कैटेगरी क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है पहले बात कर लेते हैं इसके लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड ये इधर लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड है देन उसका एक्सपीरियंस को uh, कम कर सकते हैं ठीक है देन नोट टू में क्या है क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिमशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कैस्टर्स और शेड्यूल ट्राइब्स इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी इज पोजिसंग द रिक्विजाइड एक्सपीरियंस आर नॉट लाइक टू बी अवेलेबल टू फिल अप द वैकेशन रिजर्व फॉर देम देन इधर बोला गया है कि अगर एक ही कास्ट के अंदर बहुत सारे अप्लाई कर लिए तो उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से ही उनको पोस्टिंग दिया जाएगा ठीक है इधर जो और जो जॉब लोकेशन ऊपर लिखा गया है कि ठीक है द डायरेक्टर लेडी हटिंग्स मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती एसके हॉस्पिटल न्यू डेली इन्वेट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म परफॉर्म एनेक्शन आई फॉर द पोस्ट ऑफ थर्टी फाइव नर्सिंग अटेंडेंट ग्रुप सी इन द लेवल ऑफ वन इन द रिफेस्ट पे मैट्रिक्स ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परमानेंट वैकेंसी होने वाला है ठीक है ये परमानेंट वैकेंसी होने वाला है इसे गोल्डन चेंज को मत गवाई ठीक है एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज मैंशन बिलो में अप्लाई ठीक है ये जो क्वालिफिकेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन है ऑल इंडिया वैकेंसी कहीं पे भी आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है ये वाला वैकेंसी जरूर आप अप्लाई कीजिए बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है अदर कंडीशन जो निकला है यहाँ पे द एप्लीकेंट एप्लीकेंट मोस्ट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट एंड अदर क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट अप्लाई फॉर आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फेलिंग हुई द एप्लीकेशन शाल बी समरीली रिजेक्टेड एंड नो कॉरेस्पेंडेंट्स विल बी अटेंड एंटरटेन इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट्स Are therefore advised to satisfy themselves before applying for the post that they possess the requisite essential qualification and experience? The institute will not enter any correspondence on their ineligibility. Okay? Application from duly completed in the all respect must sent by speed register post only to the director. L एच एम सी एंड एस एस के एच शाही शाहिद भगत सिंह मार्क न्यू दिल्ली विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन्स दिस एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि विद इन थर्टी डेज़ ये जो एडवरटाइज निकला है बारह तारीख को फेबर बारह को देन फेब्रवरी बारह से थर्टी डेज आप काउंट कर दीजिए होता है जो ट्वेल्व टेन मार्च होता है ठीक है टेन या चौदह मार्च होता है जो चौदह मार्च के अंदर ही आपको ये yeah, एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के अंदर भेजना है एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड थर्टी सेवन डेज फॉर कैंडिडेट्स इन आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम लद्दाख जम्मू कश्मीर लाहौल एंड सिपी डिस्ट्रिक्ट एंड पैंकी सब डिविजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आईलैंड एप्लीकेशन शुड राइट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ द एनवल क्लियरली इधर मेंशन किया गया है कि यही एड्रेस पे आपको भेजना है विद इन थर्टी डेज एंड आपका एप्लीकेशन का साइड uh, में आपका पोस्ट कोड रहना जरूरी है ठीक है देन एप्लीकेशन रिवाइज्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विदाउट रिलेवेंट और इंक्लूडेड डॉक्यूमेंट ऑन साइंड एप्लीकेशन विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पोस्टेड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉर्म और विदाउट एप्लीकेशन फीस साल भी समरली रिजेक्टेड इस दर आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस है रखा गया है उसको भी डालना जरूरी है द हॉस्पिटल अथॉरिटी साल नॉट भी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले पोस्टल डिले होने से अथॉरिटी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लगा ठीक है इफ़ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसिव फॉर द पोस्ट नर्सिंग अटेंडेंट इज लार्ज देन द इंस्टीट्यूट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू ले डाउन एनी क्राइटेरिया फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स अगर बहुत सारे लड़के या जो भी हैं अप्लाई किए हैं इस पोस्ट के लिए अगर उनका नंबर ज्यादा हो गया देन उनके मार्क के हिसाब से वो शार्ट लिस्ट करेंगे जितना वो ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए ठीक है देन इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिज मोस्ट लार्ज ये वाला फोर वाला पॉइंट गया फाइव नंबर पॉइंट इन केस ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिसाइड्स टू होल्ड रिटिन एग्जामिनेशन डिसाइड्स टू होल्ड रिटिन एग्जामिनेशन फॉर द शर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट शैल बीपेयर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्सन बाई द कैंडिडेट इन द एग्जामिशन विल डिमाइन दियर पोजिशन इफ Two or more candidates secure equal marks. The candidates elder in the S shall be placed above. However, their eligibility will be determined as per the recruitment prescribed in the notified recruitment uh, rules for the post in case candidates fall in the merit list for the post is not fulfilling the eligibility criteria and other terms and conditions. Um, इनकोपोरेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट सी और ही विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड ठीक है आपको सब कुछ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका अप्लाई करना है अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो वो रिजेक्ट कर दें ठीक है एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा जनरल ओ बी सी के लिए रहेगा थ्री हंड्रेड ए सी एस टी के लिए पूरा फ्री रहेगा पर्सन सुई थी बेंच में डिसबिलिटी के लिए फ्री रहेगा ठीक है एक्सप्री एक्स सर्विस मैन के लिए भी फ्री रहेगा ठीक है देन एप्लीकेशन फीस एल भी पेड थ्रू द Entire portal Bharat Coast, government government.in and must enclose the in copy of the receipt with their application. The details regarding the same is mentioned in Annexure double I. No personal checks are acceptable. The application fee will be non refundable. Application without the prescribed fee would not be considered and summarily rejected. Take care. all the applicants. आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ ए पेमेंट स्लिप विथ देम फॉर देयर रिकॉर्ड आपको जो एप्लीकेशन फ़ी के लिए फ़ी का एक कॉपी आपके पास रखना है रिकॉर्ड के लिए देन आपका जो पेमेंट का रसीद है उसके आ, जो एप्लीकेशन के साथ ही आपको भेजना है ठीक है और जो आ, आपका चेक रहेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा सेवन नंबर पॉइंट दिया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट समीशन ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर नीचे में एक फॉर्मेट है इसके हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करना है ठीक है एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ऑल कैंडिडेट्स मस्ट आर्टेज वन ऑफ द सेल्फ आर्टिस्टेड फोटो ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स नॉट मोर देन थ्री मंथ्स ओल्ड वैलिड कास्ट ई डब्ल्यू एस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विच एवर एप्लीकेबल एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो जो डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई आप, किए होंगे उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही आपको भेजना है ठीक है इधर नीचे आप देख सकते हैं एनी डिस्प्यूट एनी रिगार्ड टू एनी मैटर रेफर्ड टू हियर इन साल सब्जेक्ट टू द जोरिस्टेक्शन ऑफ़ दिल्ली कोर्ट एलोन सत्रह नंबर पॉइंट द कंपिटेंट अथॉरिटी रि रिजर्व द राइट ऑफ एनी अमेन्डेंट कैंसलेशन एंड चेंजेस टू दिस एडवर्टाइजमेंट एज ए हॉल और पार्ट विदाउट एसनिंग एनी रिजन कम्युनिकेशन देश अप्लिकेन्ट्स आर एडवाइज टू भिजिट द वेबसाइट एल एच एम सी एंड एस एस के एच यहीं पर आपको ये जो साइट है इधर आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है आप यहाँ पे जो जो भी अदर क्राइटेरिया है आप पढ़ लेंगे अपने आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ठीक है और ये जो फॉर्मेट है अनेक्सर आई के हिसाब से आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना है नेम ऑफ नेम लिखना है कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यहाँ पे मेंशन करना है फादर और हस्बैंड का नाम लिखना है डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन में, में जहाँ जो भी है इधर मैंशन करना है कैटेगरी किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इधर मैंशन करना है नेशनलिटी सेक्स मेल और फीमेल मैरिटल स्टेटस कॉन्टैक्ट डिटेल्स लैंडलाइन मोबाइल नंबर ई पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड एज आज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन कितना आपको कितना एज हो रहा है एकेडमिक टेक्निकल प्रिफरेंशल क्वालिफिकेशन इधर आपको मेंशन करना है ठीक है अंडर uh, टेंथ अच्छा वैकेंसी निकला है तो आप uh, इस चांस को गवाए मत पे स्केल भी बहुत अच्छा है ट्वेंटी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड बहुत अच्छा होता है टेंथ स्टैंडर्ड के लिए ठीक है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन निकला है जो कि uh, आपको साइन करना है भारत कोष रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेटेड कॉपी इंक्लोस्ड यहाँ पे मेंशन करके देना है और कैसे डिपॉजिट करना है ये भारत कोष के लिए इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको जाना है ठीक है और ये है जो एक सर्विस मैन के लिए इधर अंडरटेकिंग है दिया गया है और पी डब्ल्यू के लिए इधर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि जो सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सिक्किंग एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है अगर आपको इस वीडियो के आ, कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछिएगा मैं उसका आंसर दे दूंगा ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाएगा थैंक यू